हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं पार्टफॉर्म्स, मैं महिपाल चौधरी। आज हम जिस प्रॉपर्टी की विजिट करने वाले हैं, ये प्रॉपर्टी आपके रंगूरी गार्डन से अगर आप आगे चलेंगे तो आपको टाइलर हाई स्कूल मिलता है, जो कि बहुत ही वैशाली वेस्ट का सबसे टॉप स्कूल। आपको पता करेंगे तो आपको मिलेगा कि वैशाली वेस्ट का अगर कोई टॉप स्कूल है तो वो टाइलर हाई स्कूल है। उससे टाइलर हाई स्कूल से आगे की तरफ चलेंगे तो लगभग 100-150 मीटर की दूरी पे आपको श्री गोविंदम नाम की एक आपकी कॉलोनी मिलेगी। और इसमें आपको यहाँ पे 8 यूनिट्स जो है वो विलास के बने हुए हैं, जो कि अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग साइज के मिलने वाले हैं। और जिनमें से 4 यूनिट्स जो है वो सेल हो चुकी हैं और 4 यूनिट्स जो है वो अभी भी पेंडिंग है, जिनमें आपके एक की आस्किंग जो है वो 40 रहने वाली है, एक की 44 रहने वाली है, एक की 46 रहने वाली है, 48 रहने वाली है। अभी हम जिसका टूर करेंगे ये जो है वो 15x50 की डायमेंशन में बना हुआ है, और 15x50 की डायमेंशन यानी कि 83 स्क्वायर गज में ये आपको ये विला मिलने वाला। इस विला की जो है वो आस्किंग 48 लाख रहने वाली है। और डायमेंशन की मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसका डायमेंशन जो है वो 15x50 का रहने वाला है। जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है आपका पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया के नीचे ही आपको मिलेगा वाटर टैंक का ऑप्शन। वाटर टैंक आपको मिल जाता है ऑलमोस्ट 7000 लीटर वाटर कैपेसिटी का, और इसी पार्किंग एरिया में आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाता है मीटर का ऑप्शन। और साथ ही साथ अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 2 बाइक की एक्स्ट्रा पार्किंग मिल जाती है, यानी कि गाड़ी खड़ी करके आप यहाँ पे 2 बाइक की एक्स्ट्रा पार्किंग भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपको वाटर टैंक का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप अपनी कार वगैरह वॉश करना चाहें तो ये आपको अलग से ऑप्शन मिल जाता है। जब हम इस प्रॉपर्टी के अंदर एंटर करते हैं तो इधर एंटर में आपको ये बहुत ही खूबसूरत सा गेट मिल जाता है, साथ ही साथ आपको साइड में मिल जाता है ग्लास वर्क, और साथ ही साथ आपको मिल जाता है आयरन की रेलिंग लगी है। यह आ जाता है आपका डाइनिंग कम लिविंग हॉल, और इसमें आप देखेंगे कि एक जो वॉल है वो वॉलपेपर, जो 3D वॉलपेपर है वो लगा हुआ है। साथ ही साथ इसके अंदर MDF शीट के द्वारा वुडन टच के साथ में, और साथ ही साथ लाइटिंग का कॉम्बिनेशन करके इस दीवार को जो है वो डेकोरेट करने का बहुत ही खूबसूरत प्रयास किया गया है। साथ ही साथ अगर इसकी कॉल्सरिंग देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लाइटिंग का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। और इधर से अभी सीढ़ियों का ऑप्शन रहता है, सीढ़ियों के ऑप्शन को नीचे से जो है वो फर्निश करके दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ मिल जाता है आपको एलईडी पैनल, जो कि इसकी बिल्कुल बगल में जो है वो आपको मिल जाता है टेबल टॉप वाला ऑप्शन। यहाँ से हम इधर पढ़ते हैं किचन की तरफ, तो ये आपको मिल जाता है आपका किचन, और ये किचन जो है वो आपको मिल जाता है बहुत ही अच्छी हाइट पे। और इधर अगर आप देखेंगे तो ये जो सिंक एरिया है, सिंक एरिया को देखो आप, अभी आप देखेंगे तो मेरे से उठाया भी नहीं जा रहा है। सिंक एरिया को भी स्टोन से कवर किया हुआ है, मतलब कभी कभी होता है रफली काम करने से सिंक खराब हो जाता है, लेकिन इसको बाकायदा स्टोन कट करके इसके ऊपर डाला गया है। जगवार की आपको यहाँ पे फिटिंग मिल जाती है, और साथ ही साथ आपको ब्लोहट मिल जाती है चिमनी, और इसके नीचे मिल जाते हैं आपको ट्रॉली, और इसके साथ ही मिल जाते हैं ड्रावर ऑप्शन, ऊपर भी आपको मिल जाते हैं कैबिनेट के ऑप्शन, और सीलिंग में भी अगर आप देखेंगे तो शानदार फॉल सीलिंग जो है, और इसके अंदर मिल जाते हैं बहुत ही खूबसूरत जो है वो आपके लाइटिंग का कॉम्बिनेशन। और ये जो प्रॉपर्टी है वो 3 BHK की प्रॉपर्टी रहने वाली है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ 83 स्क्वायर गज की आपकी ये प्रॉपर्टी रहने वाली है, जिसकी आस्किंग जो है वो 48 लाख रहने वाली है। इस लिविंग रूम से कनेक्टेड ही आपको वॉशरूम मिल जाता है, काफी ज्यादा बड़ा स्पेस में आपको ये वॉशरूम मिल जाता है, और इसी से लिविंग रूम से टच जो है वो आपका आ जाता है ये पहला बेडरूम, यानी कि नीचे एक बेडरूम रहने वाला है, साथ ही साथ आपके 2 बेडरूम रहने वाले हैं ऊपर। और इस बेडरूम की अगर आप बात करेंगे तो वही बात, आपकी एक वॉल जो है वो फर्स्ट आपके वॉलपेपर से 3D वॉलपेपर से कवर्ड मिलेगी। फॉल सीलिंग अगर देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर नेचर आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ जो है वो आप बहुत अच्छी और टॉप टू बॉटम आपको वाइनआउट का ऑप्शन मिल जाएगा। खूबसूरत बात ये है इस प्रॉपर्टी की या इस रूम की अगर बात करूँ तो, अगर इस रूम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी स्पेस में बहुत ही बड़ा जो है वो एरिया मिल जाता है आपको, बैकयार्ड एरिया, जिसके अंदर आराम से आप अपना मल्टीपर्पज यूज कुछ भी यूज कर सकते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट ये काफी बड़ा एरिया जहाँ पे आपको वाटर टैंक का ऑप्शन तो मिल ही जाता है, साथ ही साथ लाइटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही साथ आप अपना किसी भी प्रकार का, क्योंकि इतना ज्यादा स्पेस होता है उसमें आप कोई भी काम कर सकते हैं, किसी प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो ये हमने देखा है नीचे का बेडरूम, यानी कि एक बेडरूम देखा है हमने, और साथ ही साथ देखी हमने किचन, और अब चलते हैं हम इसके ऊपर की तरफ। तो अगर आप स्टेप देखेंगे तो स्टेप जो है वो आपको ग्रेनाइट के मिलेंगे, साथ ही साथ जो रेलिंग देखेंगे यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्टील का वर्क किया गया है, और जो फिनिशिंग के साथ वर्क किया गया है। अब आ जाते हैं हम के लॉबी एरिया में, तो लॉबी एरिया में देखेंगे बहुत ही खूबसूरत सी आपको वॉलपेपर की डिजाइन मिलेगी, और मिलेंगे बहुत ही खूबसूरत वॉल लिंक और
बाल्डिंग और इसके आपके फॉल्सरिंग का जो कॉम्बिनेशन है, लाइटिंग का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे क्रिएशन में आपको देखने को मिलेगा। बाकी पर भी यह आया है इसका बैक का बेडरूम लॉगिन एरिया में भी अगर आपको आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक अलग वॉशरूम का ऑप्शन मिल जाता है, काफी बड़ा स्पेशियस है। अगर आप कॉमन यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप रूम से भी यूज कर सकते हैं। अब यह आ जाता है इसका ऊपर का पहला बेडरूम जो कि बैकयार्ड बेडरूम है, जिसमें भी अगर आप देखेंगे तो फॉल सीलिंग और लाइटिंग का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है। साथ ही साथ आपको वॉलपेपर का ऑप्शन तो मिल ही जाता है। और साथ ही हम देखेंगे इसमें अगर हम बैकयार्ड में चलेंगे यानी बालकनी एरिया में करेंगे तो ये लगभग 4 फीट की जो है वो आपको बालकनी मिलने वाली है, यानी कि मैं यूँ कहूँ कि लगभग ये 15x4 की ये आपको बालकनी मिलने वाली है। यहाँ पर भी आपको जो है वो एसी काउंटर लगा सकते हैं, आपको पावर बैंक का ऑप्शन मिल जाता है, वाटर टैंक का ऑप्शन मिल जाता है। और हमने ऊपर किसी भी बेडरूम का विजिट किया है। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम इसके फ्रंट के बेडरूम की तरफ बढ़ेंगे जो कि आप इसका मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं, जो कि इसके फ्रंट का ऊपर का बेडरूम रहेगा और बहुत ही अच्छा बहुत ही खूबसूरत ये बना हुआ है। ये देखेंगे आप, ये है आपके उनका बेडरूम जिसकी एक वॉल जो है वो वॉलपेपर से कवर्ड है। साथ ही साथ सीलिंग आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सीलिंग लाइट्स है और बहुत ही अच्छी अच्छी फॉल सीलिंग है और फॉल सीलिंग और लाइट का कॉम्बिनेशन जो है वो भी बहुत ही अच्छा बहुत ही खूबसूरत लगा। यह आ जाता है इसके फ्रंट के रूम का ये बालकनी स्पेस। और इस बालकनी स्पेस में अगर आप देखेंगे तो ये 15x5 की ये बालकनी रहने वाली है और काफी अच्छी स्पेशियस की बालकनी रहने वाली है। और इसके टॉप में भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल जो है मॉडर्न टच मिलेगा, साथ ही साथ अच्छी लाइटिंग का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर इसके फ्रंट के रोड की हम बाहर बात करेंगे तो ये आपके 30 फीट रोड रहने वाला है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर, बहुत ही शाम, बहुत ही शांत और काम ये इलाका है, काफी शोर शराबे से दूर और ये अच्छे माहौल वाला, अच्छे एनवायरनमेंट वाला, एटमॉस्फेयर वाला ये इलाका है। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया जिसकी हम बात कर रहे हैं इसमें इसकी आस्किंग जो है वो 48 लाख है। आप टेबल टॉप के जरिए नेगोशिएट कर सकते हैं, आप अपनी कीमत जो है वो आप अपने हिसाब से उनको नीचे कर सकते हैं और विजिट करें सबसे पहले। और विजिट करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हैं उन पर क्लिक करके आप कॉल करके आप आराम से बात कर सकते हैं। इस प्रकार के हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दिया कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कोई सजेस्ट करना हो तो कमेंट कीजिए। और इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगले वीडियो तक नमस्कार, प्रणाम।